पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी जिम्मेदारी मिलने के बाद वे लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में किसानों द्वारा उनका स्वागत करने पर उन्होंने कहा कि असली किसान कौन है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 महीने से दिल्ली को बंधक बनाया हुआ है। 26 जनवरी को संविधान को तार तार किया गया। आज देश सोचने पर मजबूर हो गया है कि असली किसान कौन है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी किसानों को कृषि कानून के फायदे भी बताने का अभियान चला रही है। कोई भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा रही है ममता बनर्जी। हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग चिंता मत करना, आराम से वोट डालोगे। सीआरपीएफ पूरे 1 महीने पहले आ जाएगी और एक एक वो कोई वोट डालने नहीं रोक सकता है। एक एक के लिए जान लगाने के लिए खड़े जान की बाजी लगा देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगे, सरकार बनते ही पहली कलम से सबके झूठे केस वापिस हो जाएंगे। किसी का कोई केस नहीं रहेगा। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये व्यभिचार और ये भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कृत संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है। आप चिंता ना करें, डरे नहीं और धमके नहीं। ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें हम सब पास होंगे।